हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी डॉलर में पैसे कमाते हो या कमाने वाले हो या कमाना चाहते हो, सो जानना चाहते होगे कि भाई एक डॉलर का इंडियन रुपीज में कितना हो जाता है। ठीक है, मान लो कि आपने एक डॉलर कमाया तो उसका कितना हो जाता है। किसी का देखा आपने कि उसने 500 डॉलर कमाया तो कितना कमाया, किसी ने 1000 डॉलर कमाया तो कितना हो जाता है। ये हम आज की वीडियो में यहाँ पे जानने वाले हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि एक डॉलर का वैल्यू कितना है और उससे कैसे आप कैलकुलेट करके अपनी सैलरी निकालते हो या अपना एक टारगेट निकालते हो कि भाई मैं इस महीने इतना कमाया हूं या इतना कमाने वाला हूं या मेरा इतना डॉलर आने वाला है तो कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे हम क्लिक करते हैं क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्रोम ब्राउजर में क्या करना है, आपको यहां पे नया टैब ओपन कर लेना है, चलेगा कोई भी करो। अब यहां पे सर्च मारना है दोस्तों आपको $1 into rupees। जैसे सर्च मारोगे तो अभी डॉलर का रेट गिर रहा है दोस्तों, ये लगभग 83 पे चला जा चुका था, मतलब कि एक डॉलर का वैल्यू 83 रुपया हो चुका था, लेकिन फिलहाल अभी 82.68 पे आ चुका है। ठीक है, 82.68 पे आ चुका है, मतलब अगर आपके पास एक डॉलर है मेरे भाई, एक डॉलर है सिर्फ, तो आपके पास इंडियन रुपीज में 82.68 रुपया है। अब बताओ अगर किसी ने 100 डॉलर कमाया, क्योंकि यूट्यूब से पेमेंट आती है, वो 100 डॉलर आती है, तो अगर आपने यूट्यूब का पेमेंट 100 डॉलर कमाया तो कितना रुपया कमाया इस महीने? तो आपने कमाया दोस्तों यहाँ पे 100 डॉलर में 8268 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 8268 रुपया आपने कमाया इंडियन रुपीज में अगर आपने 100 डॉलर कमाया तो। ठीक है, अगर बहुतों लोग क्या होता है कि बहुतों का सिर्फ 50 डॉलर हुआ, 20 डॉलर हुआ, तो कितना पैसा बना आपका? मान लो यहाँ पे आपने 20 डॉलर लिखा तो सिर्फ 1653, मतलब कि 653 रुपीज आपकी बने हैं इस महीने या 20 डॉलर का। इसी प्रकार से आपने देखा होगा किसी का कि वो 500 डॉलर कमा रहे हैं, 500 डॉलर मतलब कितना कमा रहे हैं वो, तो 500 डॉलर में वो 41,341 रुपीस कमा रहे हैं, मतलब कि 41,000 रुपीस कमा रहे हो 500 डॉलर में। ठीक है, अभी के रेट से बात कर रहा हूं मैं, डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भैया कल आप कमाइएगा तो थोड़ा सा कम कमा सकते हैं या थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है लेकिन होते रहता है। ठीक है, अब मान लो किसी का आपने देखा कि 1000 डॉलर कोई कमा रहा है भाई, तो 1000 डॉलर कितना हो जाएगा, 82,683 रुपया हो जाता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एक डॉलर का वैल्यू है 82.68 रुपीस, और यहाँ पे अगर आपने 5 डॉलर कमाते हो तो लगभग 41,000 के आसपास में कमाते हो, और अगर आप 1000 डॉलर कमाते हो तो 82,000 के आसपास में कमाते हो। अब देख लो आप कितना कमाते हो या कितना कमाना चाहते हो। अगर आपको समझ में आ चुका है कि डॉलर का रेट कैसे चेक करते हैं, वो आप इस तरह से गूगल पर जाकर चेक करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कैलकुलेशन भी करते हो इजीली। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, ऐसी कमाल की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।